फिजा खलीफा, तमाशा शुरू किया जाए। ठीक है जी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपए। क्या 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 बोला? सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। रोको जरा, बहुत ही धूम मची हुई है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक नई कैंसर की टैबलेट बनाई है, इसका नाम RCU है और जिसकी कीमत 100 रुपए दिन की है, और जिस टैबलेट को खाके कैंसर का क्योर रेट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। सुनते जाइए कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। तो जश्न मनाया जाए। जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो। जलवा है हमारा। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। बहुत बढ़िया। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। सुनते जाइए। क्योंकि मांगना अगर एक कला है तो बहुत कलाकार पाकिस्तान है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांसशिपमेंट भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो साला हो नहीं चाहिए। मुल्क में दवाओं की शदीद किल्लत का खतरा सर उठाने लगा है। तो हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है। यहाँ आया वगैरह फिर भी उसे कह रहे हो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। आज बात चल रही है इंसानियत की, और बहुत सारे भाई मेरे को इंसानियत का ज्ञान दे के जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम बात करेंगे इंसानियत की, दवाइयों की, मेडिसिन की, भारत की और पाकिस्तान की। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ में मनोरंजन भी मिलेगा। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। चले फिर। चलो भाई। सबसे पहली बात तो ये, हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। जली ना तेरी भी जली ना। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, वो इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो जिस थाली में खाता ना उसमें छेद जरूर करता ही करता है, इसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। दो मुल्क लेने के बाद भी अगर आज भी वो फाइट कर रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है, सोचो जरा, सोचो। अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपए। वाह भाई वाह। अद्विया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर आवाम ही मुतासिर है, और ना यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना नर्सिस की ट्रेन। कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है, डॉक्टर समझते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आप तो एजुकेटेड लग, सफाई का ये मियार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। अतु, 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 अतु। ये जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं नहीं बिल्कुल लेनी चाहिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है।
हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए, जैसे कह रहे इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो आवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिसकनेक्ट हो गए हैं। इसमें आवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। ये ना उनके आवाम ये चाहती है ना पाकिस्तान के आवाम ये चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है। जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज के खरीदी जाती, इंसान वो होगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाहवा करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब के गर्दन नहीं टिक रही थी, यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ, और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लगे रहो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। अब आवाम जाएं तो कहाँ जाएं, अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते, बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं, तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाए, ये नहीं कि हम कह रहे कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाए, वो हमारे कायद का नजरिया गलत होगा, हम उनके साथ मिलके मिलजुल नहीं सकते तो रहे तो फिर। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज समथिंग एल्स, ट्रेड हमें करनी चाहिए, ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं, ट्रेड का फायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा फायदा हमें पाकिस्तान को होगा। कैसे? क्योंकि इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए हमारी इकोनॉमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सेज, हम आवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना, और यहाँ पे कोई सफाई का मियार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। पर्ची का कारोबार तो पाकिस्तान के अंदर बहुत है, बिना पर्ची के तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में प्लेयर नहीं आ सकते। यहाँ तो मरीजों के इलाज की बात हो रही है, कितने गिरे हुए लोग है पाकिस्तानी की इनके मरीजों को इलाज कराने के लिए भी पर्चियों की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बोल के जाएंगे कि भाई हमारे हिंदुस्तान में भी तो प्रॉब्लम है, हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, बिल्कुल है भाई, मैं मानता हूँ उनको सही होना चाहिए, और कमियां हर मुल्क में होती है मेरे भाई, हर मुल्क में कमियां होती है, हिंदुस्तान में भी कमियां होती है, पाकिस्तान में भी कमियां होती है। आज बात यहां पे दवाइयों की हो रही है, और दवाइयों के मामले में भारत ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। आप यकीन मानोगे 4.5 अरब की दवाइयां पाकिस्तानियों को दे चुके हैं, और उन्होंने हरामजादों ने आज तक रुपया नहीं दिया है, खा गए पैसे, डकार गए, फिर भारतीय कंपनियों ने पाकिस्तान में दवा भेजना ही बंद कर दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड ऑफिशियली 2019 से बंद है, लेकिन थोड़े समय के बाद में 2020 में इमरान खान ने ही दवाइयों पे से बैन हटा दिया था, और दवाइयों का ट्रेड चालू था, क्योंकि दवाइयां नेसेसरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये पैसे नहीं देते तो भारतीय क्यों भेजेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानियों को समझा सकते हैं, थोड़ा मुझे भी समझा सकते हैं, थोड़े उन हिंदुस्तानियों को समझा सकते हैं जो परचून की दुकान में जाके बोलते हैं मुझे शेविंग करवानी है। कितने पैसे लोग हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।